नमस्कार, आप देख रहे हैं अदिति न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से, जहां पर जबलपुर में कलेक्टर करमवीर शर्मा ने 14 सितंबर की ब्रीफिंग में अपडेट देते हुए नागरिकों से यह अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचें व सतर्कता बरतें, जिससे कि संक्रमण ना हो सके। 14 सितंबर की संध्याकालीन कोरोना ब्रीफिंग कर रहा हूँ। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट की संख्या 1288 है। विगत 24 घंटे में कुल भेजे गए सैंपल 1101 हैं। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 90,894 हैं। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 195 है। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 5,294 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 202 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 6,643 है। एक्टिव केस 1234 है। 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 115 है। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1322 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 33 है। संस्थागत क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 939 है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 892 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 631 है। इसी प्रकार लगातार जो है ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, उन पर कार्रवाइयाँ लगातार चलती आ रही हैं। सभी SDM, पुलिस और नगर पालिका का अमला, प्रशासनिक अमला अलग अलग जगह चेकिंग कर रहा है और लगातार फाइन भी आरोपित कर रहा है। मेरा पुनः आप लोगों से आग्रह रहेगा कि संक्रमण का समय चल रहा है, संक्रमण का दौर है और ये संक्रमण केवल और केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना, मास्क न लगाना इसके कारण तेजी से फैलता है। अतः मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें और मास्क अनिवार्यतः लगाएं। एक सूचना आपको यह भी देना चाहूँगा कि बीच में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता को लेके कई सारी खबरें और न्यूज़ और व्हाट्सएप पे जानकारियाँ प्राप्त हुई कि ऑक्सीजन की कमी है। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई कमी ऑक्सीजन की शहर में और ज़िले में नहीं है। पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है और इसमें विशेष प्रयास करके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से विशेष टैंकरों के माध्यम से पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता है। सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों से और जो आसपास के जिलों के हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटलों से हमारे प्रतिनिधि अधिकारीगण लगातार संपर्क में हैं, उनसे प्रोएक्टिवली पूछ के ऑक्सीजन का सप्लाई कर रहे हैं। दो टैंकर अभी बैक टू बैक आए हैं, एक टैंकर आज और आने वाला है, कल एक और आने वाला है। इस प्रकार की लगातार सप्लाई बनी हुई है। तो अतः इस संबंध में एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जबलपुर जो है ऑक्सीजन को लेके एक सेल्फ डिपेंडेंट स्थिति में जा रहा है। एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए स्वयं सुरक्षित रहें, स्वयं बचें और दूसरों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।